पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे गणेशगंज, कहा कांग्रेस तो डूब रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिवनी जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सिवनी से अपनी सभाओं को प्रारंभ करते हुए जिले के कई इलाकों में मंडला एवं बालाघाट लोकसभा से प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को संबोधित किया। तो वहीं उन्होंने सभी जगह अपने उद्बोधन में कमल के फूल की बटन को दबाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छपारा से होते हुए जब गणेशगंज पहुंचे तो स्थानीय भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं उपस्थित लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी तंज कसा। क्या कुछ कहा सुने। भारतीय जनता पार्टी भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएगी, ये हमारा संकल्प है। उत्तर होटल के तैयार है बताने के लिए, आज अभी लेकिन दिल से तो समझ रहा हूँ। बताओ कांग्रेस भला कर सकती है क्या? कांग्रेस तो अब डूब रही है। क्या आएगी? अरे जो भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा राम लला की, उसी का विरोध करते वो चुनाव जीत सकते हैं क्या? अपने गलत फैसलों के कारण कांग्रेस समाप्ति की तरफ है। विचारवान कांग्रेसी सब कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में रहने को कोई तैयार नहीं। मौका मिलता तो छिंदवाड़ा त्रिपाली में निकल जाते। अब ऐसी पार्टी जिसकी नेता सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही वो जीत सकती है क्या? बताओ। राहुल अमित ये तो आठ आठ बार यही लड़ रहे हैं, मैडम सोनिया गांधी और राहुल पार्टी आपके लोकप्रिय नेता है, आपका प्यार और आशीर्वाद दीजिए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भारी बहुमत से दिखाइए। यही मेरा निवेदन है। क्योंकि अभी लखनऊ भवन में सभा है, इसलिए बाद में कभी विस्तार से बात करेंगे। आपसे मिलकर मामा बहुत प्रसन्न है। आप सबको प्रणाम। हम आपके साथ हैं।